दोस्तों, कॉमेडी किंग कपिल शर्मा की अपकमिंग फिल्म जुगाड़ो का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म में कपिल एक डिलीवरी बॉय का किरदार निभा रहे हैं। अब इस मूवी में कॉमेडी करने वाले कपिल अपनी छवि के विपरीत एक गंभीर किस्म के रोल में दिखाई देंगे। आपको बता दें कि इस फिल्म में कपिल शर्मा एक फूड डिलीवरी बॉय बने हुए हैं, जिसमें उनके और उनके परिवार के संघर्ष को दिखाया गया है। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कपिल शर्मा के फिल्मी करियर की। अब कपिल शर्मा की ये कोई पहली मूवी नहीं है। इससे पहले कपिल शर्मा की दो मूवी आ चुकी हैं, जिसमें किस किस को प्यार करूं और फिरंगी जैसी मूवी शामिल है। और कपिल की ये दोनों ही मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही और ये दोनों ही मूवीज ऑडियंस के दिल में कोई विशेष छाप नहीं छोड़ पाई। अब ये मूवी कपिल शर्मा की तीसरी मूवी है और मूवी के ट्रेलर को देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मूवी में स्टोरी क्या है और मूवी में क्या हमें देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से मूवी में कुछ खास नया करने की कोशिश नहीं की गई है। बट हाँ, अगर मूवी के डायरेक्शन की बात करें तो मूवी के ट्रेलर में जो कुछ भी हमें दिखाया जाता है वो मूवी की स्टोरी से बहुत मैच होता है। फिर चाहे वो म्यूजिक हो, बैकग्राउंड हो या कैरेक्टर हो, सभी चीज अपनी अपनी जगह पर काफी परफेक्ट सी है। और ये इस मूवी के लिए काफी अच्छी बात भी है, क्योंकि पर्सनली मैंने भी ऐसी बहुत सी मूवी देखी है जिनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ खास नहीं है, लेकिन एक अलग सी छाप मेरे दिल में उस मूवी के लिए है। और मेरे हिसाब से मूवी के कैरेक्टर्स को ज्यादा परफेक्शन देने की कोशिश भी नहीं की गई है, जो कि काफी अच्छी बात है। क्योंकि होता यह है कि जब आप किसी चीज में ज्यादा परफेक्शन देने लगते हैं तो वो बनावटी लगने लगती है, और फिर कभी कभी ये बनावटीपन मूवीज में कुछ गलत साबित हो जाता है। वैसे तो इस मूवी में काफी कैरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन इस मूवी को लॉन्च कपिल शर्मा के सहारे ही किया जा रहा है। कपिल के किरदार की बात करें तो कपिल का किरदार इस मूवी में काफी सिंपल सा है। उनकी डायलॉग डिलीवरी और एक्टिंग उनकी पिछली दो मूवीज से काफी अच्छी मुझे इसमें लग रही है। लेकिन एक समस्या जो मुझे लगती है कि भारत की जनता ने जो है कपिल शर्मा को एज ए कॉमेडियन जाना है। कपिल शर्मा मतलब कॉमेडी, और जब बात होती है कपिल शर्मा के हीरो आने की तो भारत की जनता उतना इस चीज में इंटरेस्ट नहीं लेती है। पर इससे कपिल शर्मा की पॉपुलैरिटी पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इस मूवी को कितनी पॉपुलैरिटी मिलती है और कितनी ये बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।